नमस्कार, क्रिकेट में रुझान आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2020 राजस्थान रॉयल्स के लिए एकदम सही जा रहा था, लेकिन अभी अभी राजस्थान रॉयल्स के लिए एक ऐसी खबर निकल के आई है जो ये बताती है कि राजस्थान रॉयल्स का खेमा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन्होंने एक इंग्लैंड के प्लेयर को ऑफर किया था उनके टीम में खेलने के लिए, उनके टीम में वो मौजूद भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी न्यूज़ का डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, कौन है वो प्लेयर आपको वही बताऊंगा और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन टीम में आने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो 150 लाइक का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस प्लेयर की। तो वो जो प्लेयर है उनका नाम है लियाम लिविंगस्टोन। अब आप सोच रहे हो कि लियाम लिविंगस्टोन को तो राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज नहीं करने वाली थी। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को ऑफर किया था कि आप हमारे लिए आईपीएल 2020 खेलो, लेकिन उन्होंने सामने से ही ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने यही कहा कि मैं अभी काउंट्री क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूं, कि वो फिर से इंग्लैंड के टेस्ट टीम में आ जाए, वो फिर से इंग्लैंड के लिए खेलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं आईपीएल को बहुत इंजॉय किया, मैं भी आईपीएल में खेलना चाहता हूं, लेकिन अभी जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है वो होगा इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड और इसी के लिए वो भी काउंट्री क्रिकेट में फोकस करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन दो प्लेयर्स के बारे में जिनको लियाम लिविंगस्टोन रिप्लेस करने वाले हैं, जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे अपने टीम में लाने वाली है। जो सबसे पहला प्लेयर है इस लिस्ट में जो इनको रिप्लेस कर सकता है वो है डेविड मिलर। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर है डेविड मिलर। आईपीएल के बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, इन्होंने कुल अभी तक 79 आईपीएल मैचेस खेले हैं, 1850 रन बनाए हैं और इनका एवरेज भी 34 के आसपास है, यानी कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहते हैं। आईपीएल में इनका फॉर्म अच्छा रहता है, लेकिन रिसेंटली इनका जो फॉर्म है वो थोड़ा गिरा है। किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल 2019 में इनको कंसिस्टेंटली मौका नहीं दिया था, इसी की वजह से इनका कॉन्फिडेंस और डाउन था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इनको एज ए बैकअप ही लेने वाली है। ये प्राइमरी प्लेइंग 11 नहीं होने वाले, ये सेकेंडरी प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो पिच है उसके लिए पूरा सूट होते हैं हमारे डेविड मिलर। डेविड मिलर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। साथ ही साथ डेविड मिलर एक हिटर भी है, इनको हम किलर मिलर भी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं डेविड मिलर राजस्थान रॉयल्स के लिए और आराम से राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको 3 से 4 करोड़ के अंदर ऑक्शन में खरीदने वाली है। जो दूसरा प्लेयर है जो लियाम लिविंगस्टोन को रिप्लेस करने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए वो है मार्कस टोइनिस। ये भी पहले किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल चुके हैं, रिसेंटली इन्होंने आरसीबी के लिए भी खेला था, 29 मैचेस खेल चुके हैं आईपीएल में, 473 रन बना चुके हैं और 15 विकेट भी ले चुके हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, वर्ल्ड के अभी करंट में आप मान सकते हैं बेस्ट ऑलराउंडर है। ये भी एज ए बैकअप काम करने वाले टीम में बेन स्टोक्स के बैकअप के तौर पर टीम में आने वाले हैं। एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के आते हैं और ठीक ठाक बॉलिंग भी कर लेते हैं, यानी कि ये भी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि लियाम लिविंगस्टोन एक बैट्समैन थे और मार्कस टोइनिस एक ऑलराउंडर है, तो कहीं ना कहीं इस डील से भी राजस्थान रॉयल्स की टीम को फायदा होने वाला है। तो ये तो थे वो दो बड़े प्लेयर जो लियाम लिविंगस्टोन को रिप्लेस कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल 2020 के ऑक्शन में भी आपको नजर नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये तो मुझे राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर लग रही है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से दबा लें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।